Don't tell me. Ayan, कुछ बोलोगे क्या हुआ? Ayan, are you okay? मैं देखती हूँ कुछ help. फोन भी नहीं लग रहा है आयन का. बारिश का मौसम बना हुआ है और आयन और जोया साथ में बाहर गए हैं. मैंने कितना कहा था आयन से कि गाड़ी लेकर जाए, लेकिन ये लड़का है ना, सुनता कहाँ है किसी की. बाइक लेकर इस मौसम में, और इस मौसम में ये दोनों. अम्मी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? वो इसलिए कि जो हम देख रहे हैं वो तुम नहीं देख पा रहे. हम देख रहे हैं कि वो दोनों बच्चे एक साथ वक्त बिता रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तुम अयान की फिक्र मत करो, वो दोनों आ जाएंगे. आज बड़ा खुशी का दिन है, निकट का निकाह भी हो गया और अब तो अयान और जोया धीरे धीरे अपने कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ा भी रहे. सच अम्मी, मैं भी खुदा से यही मांगती हूँ कि निखत अपना गुजरा हुआ कल बुला के एक नई जिंदगी की शुरुआत करे. इंशाल्लाह आज से तुम्हारे दोनों बच्चों की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है. अल्लाह करे आगे भी सब ठीक हो. रुको, रुकिए, प्लीज रुकिए, भाई साहब प्लीज वहां चलिए. वो बेहोश हो गए, उनका बहुत सारा खून जा रहा है. भाई साहब प्लीज चलिए मेरे साथ. कौन मैडम, कौन बेहोश हो गए हैं? वो मेरे शौहर है, ही इज माय हस्बैंड. प्लीज आइए, प्लीज हेल्प मी. हाँ हाँ चलते, प्लीज आइए. किधर? हाँ उधर. इनका तो बहुत खून निकल रहा है. यहाँ नजदीक में एक सरकारी हॉस्पिटल है, इन्हें वहां ले जाना पड़ेगा. अब आइए हमारे साथ, चलिए. हाँ प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज भाई साहब प्लीज इन्हें उठाइए. कोई तो बात है, ठीक नहीं लग रहा. क्या हुआ? आवाज आई अभी. अरे कौन सी आवाज? आओ चलो. इमरान, इमरान उठिए ना प्लीज, उठिए ना प्लीज. अच्छा तुम अभी तक सोई नहीं, तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है, ऑल दैट. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. नजवा ऐसा कुछ नहीं,
तुम यहां पर भी नई नई आई हो ना तो तुम्हें ऐसा लग रहा है। विद टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू विल गेट यूज्ड टू इट, ट्रस्ट मी। मैं हूं ना? नो इमरान, सच में कुछ गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। बोलो ना इमरान, कोई राज है क्या? तुम जानते हो ना मुझे झूठ से सख्त नफरत है। आई हेट सीक्रेट्स। और अगर कोई भी राज की बात है तो प्लीज मुझे बता दो। हाँ तनवीर, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। नजमा से सच्चाई छुपाने के बाद तुम डेफिनेटली उसे खो दोगे। नजमा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इमरान, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझसे कोई राज तो नहीं छुपा रहे हो? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। सो जाओ। पक्का? हाँ पक्का। सो जाओ। मैडम लीजिए, हॉस्पिटल आ गए, आप ले जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं इन्हें अकेले कैसे लेके जाऊंगी? इस अंदर तक तो छोड़ दीजिए प्लीज, मेरी हेल्प कीजिए। हाँ ठीक ठीक है भाई। हाँ चलिए प्लीज, संभल के संभल के। यहाँ यहाँ यहाँ, ख्याल से ख्याल से। लीजिए मैडम संभालिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अयान, एक्सक्यूज मी मैम, आप जानती हैं डॉक्टर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, आप वहां जाके देख लीजिए। अयान, टाइम तो देखिए। अब ये टाइम पे आपको कौन डॉक्टर मिलेगा यहां पे? आप एक काम करो, अपने शोर को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ। बकवास बंद करो। एक तो ऑन ड्यूटी सो रहे हो और ऊपर से मुझे बोलो डॉक्टर नहीं आएगा। डॉक्टर नहीं आएगा तो ये हॉस्पिटल क्यों खोल के रखा है? जल्दी उठो, मेरे साथ चलो तुम। देखिए मैडम, देखो तुम समझे, इतनी देर से मैं तुम्हें कह रही थी उनका खून बह रहा है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। समझ में नहीं आता तुम्हें? एक मिनट के अंदर अंदर तुम नहीं उठे ना, मैं थोड़ा वो हाल करूंगी ना कि तुम एडमिट हो जाओगे। समझे, जल्दी आओ मेरे साथ। उनका फोन अभी तक आने लगा। मिस फारूकी का फोन। यहाँ नेटवर्क? अरे मैडम, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता। तो कोई लैंडलाइन होगा ना, प्लीज वहां से फोन करके डॉक्टर को बुलाएंगे। है लेकिन दो दिन से डेड पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर कैसे आएंगे? अरे मैडम, पास में ही क्वार्टर है उनका, मैं खुद जाके बुलाऊंगा ना। तो फिर आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? आप देख लीजिए कितना खून बह रहा है। प्लीज जल्दी जाइए, डॉक्टर को लेकर आइए, जाइए जल्दी। जाता हूँ, एक मिनट।
बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है ना। ये तो बहुत गहरा जख्म है और कई दिन पुराने हैं। इन्हें तो चोट लगते ही मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। आपने इतनी देर क्यों कर दी? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था इस चोट। या अल्लाह, ओके ठीक तो हो जाएंगे ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें स्टिचेस लगाने होंगे। और आज प्रॉब्लम यह है कि हॉस्पिटल में कोई बेहोश करने वाला नहीं है। अब इन्हें बिना एनेस्थीसिया के स्टिचेस लगाने होंगे। मतलब? मतलब यह है कि मैडम, ये हमारी मजबूरी है। आप प्लीज इनके हाथ पकड़ लीजिए। मैडम, स्ट्रेचेस तो हो गए, लेकिन जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ऐसा कीजिए कि अपने घर वालों को खबर दे दीजिए। सॉरी डॉक, पर मेरे फोन में ना तो बैटरी है और ना ही अंदर सिग्नल आ रहे हैं। कोई बात नहीं मैडम, आप मेरा फोन ले लीजिए, इसमें बाहर सिग्नल आ जाएंगे। आप वहां बाहर जाकर बात कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हेलो, मैं जोया बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ से भी हॉस्पिटल में आ जाइए आप प्लीज। आयान, आयान। वार्ड बॉय को मैंने दवाइयां लेने भेजा है, बस वो आता ही होगा। तब तक आप इनके पास रहिए। डोंट वरी। और हाँ, आप अपने हस्बैंड को ये पेशेंट ड्रेस पहना दीजिए। मैं? जी हाँ, आप। इनके लिए ब्लड लेकर आता हूँ। अभी इस वक्त कोई पेशेंट एडमिट हुआ है क्या? जी, इमरजेंसी रूम में है। उनकी वाइफ भी उनके साथ में है। वो एनीथिंग सीरियस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। आप बेफिक्र रहिए। इमरजेंसी रूम? यस, उस तरफ। थैंक यू।
हुआ कैसे? आपके पास आ रहे थे, अचानक से उसकी पेन शुरू हो गया, वो गिर गया मिस्टर खान, और मैं अकेली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, उसका कितना खून बह रहा था मिस्टर खान, मैं किसी तरह से लोगों की हेल्प लेके उसे यहां पर लेके आई। तो मैं अभी डॉक्टर से मिला था, स्टिचेस भी हैं, मुझे एक बार डॉक्टर से बात करनी है फिर। आयान का बहुत खून बहा है, वो उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करने गए हैं। मिस्टर खान, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने क्या सोचा था कि निखत का निकाह हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। मिस्टर खान, मुझे डर लग रहा है, अब कुछ ठीक नहीं होगा, आप देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा मिस्टर खान? मिस्टर खान, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत ज्यादा। मैं जब से अयान के घर में गई हूं, मुझे वहां हर कोई बहू बहू कह के बुला रहा है। मैं हॉस्पिटल में चिल्ला रही थी कि मेरे शौहर के इतना खून बह रहा है, उसे बचा लो। मिस्टर खान, मैं मानती हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन सारी दुनिया के लिए मैं बीवी अयान की बन चुकी हूं, और आप तो जानते ही हैं कि निकाह मेरे लिए शुरू से वो वादा था जिसे मैं ताउम्र निभाने वाली थी। मिस्टर खान, मैं वैसा कुछ नहीं कर रही हूं जैसे मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में करना चाहती हूं। मिस्टर खान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है, मैंने निकाह को मजाक बना के रख दिया है। मिस्टर खान, अब आप मुझसे निकाह करना चाहती हैं? मिस्टर खान, मैं सिर्फ आप ही से निकाह करना चाहती हूं, लेकिन अगर आप मुझसे निकाह करना चाहती हैं तो उसमें लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं। मैं जानता हूं निकाह के लिए बहुत है जो ताम्र निभाएंगी, लेकिन मैं स्वरूप की आपके और आयन के बीच जो हुआ वो वादा नहीं था, एक हादसा था। खुदा कसम, अगर आपने वादा किया तो मैं कभी भी आपको वादा तोड़ने के लिए नहीं कहता। बस ये कह रहा हूं कि इस हादसे को भूल जाए। मैं जानता हूं गलती मेरी है, बहुत बड़ी गलती है, जिसकी सजा आपको मिल रही है, लेकिन मुझे भी इस गलती की बहुत बड़ी सजा मिली। इसमें मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता, लेकिन मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है। स्वरूप की
सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयान मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। जैसे डॉक्टर आ जाएगा मैं आयान को किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा।